हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी की भर्ती के बारे में। सो फ्रेंड, आपकी जो वैकेंसी निकली है, इंजीनियर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, इसके आपकी वेरियस ट्रेड में, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अन्य जो ट्रेड है उसके बारे में बात करें, इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपके लिए जीटी क्राइटेरिया रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है और आपको पसंद आई है। तो बात करते हैं फ्रेंड हमारी जो वैकेंसी है इसके बारे में, इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, ये आपको देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है गेट 2021 के माध्यम से इंजीनियर कार्यकारी प्रशिक्षु की 2021 की भर्तियाँ होने वाली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनटीसीवी लिमिटेड, आपको जो देख सकते हैं मेगावाट पर स्थापित क्षमता भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कार्यकारी प्रशिक्षु 2021, इलेक्ट्रिकल में आपके 98, मैकेनिकल में 126, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट में 56 है। ठीक है, योग्यता की बात करें, कम से कम 65% अंकों के साथ आपके संबंधित संस्थान विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार अनुरूप इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी या AMI के पूर्णकालिक बैचलर डिग्री अंतिम वर्ष के सेमेस्टर छात्र की भी आप भी इंजीनियर के डिग्री में कम से 65% अंक होने चाहिए। ठीक है, आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 55% रखा गया है। ठीक है, जो कि इन सब्जेक्टों से आपने कर रखा है तो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं EET 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको देने हुए। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिकल ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, आयु सीमा की बात करें, यहाँ पे आपकी ऑनलाइन की अंतिम तिथि में आपकी जो आयु है 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं आपको एज में छूट मिल जाएगी, जो कि हमारे नियम है उनके गवर्नमेंट के अनुसार, जो कि आप SC ST OBC हो या SST हैं तो। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें, पात्र अभ्यर्थी जो कि इंजीनियरिंग गेट 2021 में अवश्य प्रविष्टि हो, इस विज्ञापन के तहत करने वाले उम्मीदवारों को गेट 2021 में जो उनका प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को अब सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, ये आपके NTPC द्वारा विज्ञापित इंजीनियरिंग छात्रों के विषय क्षेत्र यहाँ पे आपको दे रखे हैं, उनके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आपको दे सकते हैं जो कितनी वैकेंसी है, इन सबके आपको डिक्लेरेशन दे रखा है, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है। ठीक है, फिजिकल डिसेबल के बारे में दे रखा है तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आपकी जो सैलरी की बात करते हैं, आपका जो चयनित अभ्यर्थी का वेतन है 40 से 1,40,000, मूल वेतन 40 से रहेगा, इवन ग्रेड में रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान आपको आमिलन के उपरांत कंपनियों के नियमानुसार लाभ जैसे महंगाई भत्ता टर्मिनल आदि के दिए होंगे। ठीक है, प्लेसमेंट जैसे चयनित उम्मीदवार को NTPC के प्लांट में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अंतिम नियुक्ति स्थान पर निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों पूरे देश में NTPC के सहायक कंपनियों की जैसे JV कंपनियों सहित किसी भी परियोजना में स्टेशन पावर प्लांट में शिफ्ट करने का प्राचलन नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरक्षण के आपके लिए देखने मिल जाएगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपका नोटिफिकेशन, में दोनों में अभी हिंदी में बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 21 से लेकर 5 से लेकर 10 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बता दूंगा। यहाँ पे सामान्य सूचनाएं निर्देश दे रखे हैं, यहाँ पे भारतीय नागरिक ही आप केवल पात्र हैं। उम्मीदवार को सुनिश्चित करने के विज्ञापन वर्णित आपके पात्रता के अन्य शर्तें आप पूरे करते हैं, सभी अर्हता AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो कि आप दे सकते हैं। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जैसे जो कि उम्मीदवार है 1 वर्ष की सफलता के बाद कम से 3 वर्ष के लिए कंपनी की सेवाओं के संबंध में प्रबंध अनुबंध प्रतिज्ञापित किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो सैलरी दे रखी है 50,000 से लेकर आपको यहाँ पे दे रखा है 2.5 लाख तक हो गया वो दिया होगा। स्वास्थ्य आपके यहाँ पे दे सकते हैं, ज्वाइनिंग से पहले उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड
आपको फिर आपके टेस्ट होगा, उसके बाद बोर्ड का अंतिम निर्णय आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट का द्वारा किस किस तरीके से आवेदन करना है, उम्मीदवारों को किस तरीके से करना है, यहाँ पे उसकी डिटेल दे रखी है, तो वो भी पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे पंजीयन के लिए 300 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे आपका भुगतान ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो देखते हैं SC ST है, फिजिकल डिसेबल है, और भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। तो ये डिटेल थी, मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, बाकी आप डिटेल खुद चेक कर सकते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका रहा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे, आपको क्लिक करना है जैसा कि मैंने इस पे किया। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यस आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो आपका डिसिप्लिन उसको सेलेक्ट कर लें, मैं मैकेनिकल पे करता हूँ। यहाँ पे आपका नाम बताना है, सरनेम, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रिलीजन बताना है, जो आपका धर्म है वो बताएं। यहाँ पे आपका स्टेटस बताना है, शादीशुदा या सिंगल। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी बतानी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल SC ST OBC इकोनॉमिक सेक्टर, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं जनरल करता हूँ। फादर नेम, फादर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है, फादर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मदर नेम, मदर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको बताना है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इस तरीके की जानकारी दे। ठीक है, स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपका पिन कोड बताना है, यहाँ पे आपका लैंडलाइन नंबर है वो, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको 2 बार देना है। ठीक है, ये जानकारी देने के बाद आपका स्टेट डोमिसाइल, जिस स्टेट के डोमिसाइल है आपको बताना है, जैसे मध्य प्रदेश का हूँ रहने वाला हूँ तो यहाँ पे बताऊंगा, वेदर ये डोमिसाइल स्टेट जम्मू कश्मीर यस या नो कर सकते हैं, अगर जम्मू कश्मीर है क्या आपको यहाँ पता है आर्म फोर्स में है एक्सर्विशन यस या नो, आपका नंबर ऑफ ईयर कितने समय कितने साल काम किया है, अगर 2 या 3 साल काम किया तो उसको यहाँ पे दे सकते हैं, क्या फिजिकली डिसेबल्ड है उसके बारे में यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है आपका कब इश्यू हुआ था सर्टिफिकेट, उसके बारे में जानकारी, सर्टिफिकेट नंबर देना है, क्या आप NTPC के एम्प्लॉई हैं तो उसके बारे में यस/नो में जानकारी देनी है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी उसके बारे में बताना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, आप प्रोजेक्ट स्टेशन के यहाँ पे जानकारी देनी है, गेट रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, लिखना है उसको सेलेक्ट, यहाँ पे आपको करना है BE BTEC के बारे में, सेलेक्ट ब्रांच करनी है, यहाँ पे आपको बताना है क्या आप इन फाइनल सेमेस्टर यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है यस आपका पासिंग क्वालिफाई एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज मार्क आपको बताने हैं कितने परसेंटेज से, आपका इंस्टीट्यूट कैटेगरी क्या है, IIT NIT या अदर है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर अदर है तो यहाँ पे इसमें से आपको लिस्ट आ रही है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देनी है, ड्यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस यस या नो कर सकते हैं, करंट या लास्ट कंपनी का नाम यहाँ पे इस तरीके से करना है, कब से लेकर कब तक काम किया इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाए, इस पर क्लिक करें और प्रीव्यू चेक कर लें, ये सब देखने के बाद तो यहाँ पे फ्रेंड आपके उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका यहाँ पे आप कर सकते हैं, चालान आ रहा है, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस यहाँ पे आप इसे सब कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का फुल नाम, यहाँ पे एग्री प्रिंट स्लिप आपको देखने मिल जाएगी, यहाँ पे आपको देखिए गेट रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप करने के बाद ये आप देखने को मिल जाए, पेमेंट हेल्प मैनुअल आ रहा है तो इसको भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाएगा, उसको आप चाहे जिस भाषा में, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी आपकी NTPC की आपकी जो वैकेंसी के बारे में, इसकी मैंने जानकारी दी है, तो आप यहाँ पे चाहें तो फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन पर भी बारे में जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने धन्यवाद।